ताली बजा के पेट के ऊपर उनकी दम उनका दम। माननीय विपक्ष के माननीय सांसदों ने कहा कि आप नंबर बताओ, इसलिए मैं नंबर रख रहा हूँ। यूपीए के कार्यकाल में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे, 171, वो करीब 68 प्रतिशत 68% कम हुए हैं। अभी भी अध्यक्ष जी, हमें उस पर कहीं कोई संतोष नहीं करना चाहिए, कहीं भी संतोष नहीं करना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, कोई भी हो, हम सबको मिलके एक एक विषय पे, सेफ्टी के हर विषय पे पूरा दिल जी जान से, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी मेहनत है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं, वो पूरा प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, और कैसे भी उसको, हर तरीके से उसको रोकने का पूरा प्रयास रहेगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखें, अपने गृहवान में जाके, अपने गृहवान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं, क्या ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए, रेलवे की अर्थ, रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के ऊपर उनकी दम उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है, वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, ये राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष जी, रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा, रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी, कि देश की कोई भी समस्या हो, उसके लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे।
माननीय सांसद केरला के श्री बशीर जी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट्स खंगाली। माननीय बशीर जी हैं क्या? माननीय अध्यक्ष जी, कल सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था, हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट का उसको खंगाला, लेकिन कहीं पर भी हमें उसमें SC ST OBC से संबंधित कोई विषय नहीं निकला। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का UPA का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से 2024 में NDA के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए, इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, पहली परीक्षा में 1,26,00,000 कैंडिडेट थे, 1,26,00,000 कैंडिडेट, 133 शिफ्ट 68 दिन तक परीक्षा चली, 211 शहरों में परीक्षा चली और 726 सेंटर्स में एग्जाम चला। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कंप्लेंट उसमें नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विपक्ष में, माननीय सांसद महोदय ने पिछले टर्म में इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया था। दूसरी परीक्षा 1,10,00,000 कैंडिडेट थे, 99 शिफ्ट 33 डेज 191 सिटीज 551 सेंटर्स 15 लैंग्वेज में एग्जाम हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट कहीं। माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों परीक्षाओं के बाद 1,30,000 लोगों को रोजगार दिया गया है और जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट हुई तुरंत हमने नई साइकिल चालू की। और माननीय अध्यक्ष जी, वर्षों वर्षों से जो डिमांड थी कि एक एनुअल कैलेंडर रखा जाए रेलवे के लिए, तो जनवरी के महीने में 2024 के जनवरी के महीने में एनुअल कैलेंडर रेलवे के रिक्रूटमेंट का घोषित हुआ। हमारे नौजवानों के लिए जो रेलवे में भर्ती होने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए साल में 4 बार वैकेंसी निकलती है, अब जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई के क्वार्टर में और अक्टूबर के क्वार्टर में। और इस एनुअल कैलेंडर के कारण आज की तारीख में 40,565 वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा, जिस मेहनत के साथ, जितनी डिटेलिंग के साथ 2 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम लेके बिना कोई कंप्लेंट के ये एग्ज़ाम कंप्लीट किया, वैसे ही आगामी एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट होंगे और रेलवे में 40-50 हज़ार लोग ज़्यादा चलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, किसी ने कल मजाक भी बनाई थी कि रेलवे के माननीय अध्यक्ष जी मैं सेफ्टी पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो डेटा भी आपके सामने रख। माननीय अध्यक्ष जी सर बाद में ऐड कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सेफ्टी पे 2022-23 में अध्यक्ष जी 22-23 में 87,336 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंडिचर सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स में हुआ। 2023-24 में 98,414 करोड़ रुपीज़ का सेफ्टी पे एक्सपेंडिचर हुआ। 2024-25 में बजट में, जिसका आज अप्रूवल देगा ये महान सदन, इसमें 1,08,795 करोड़ का
सेफ्टी के रिलेटेड आइटम्स पे एक्सपेंडिचर रखा गया। माननीय अध्यक्ष जी, किस तरह से काम कार्य पद्धति में बदलाव एक लाने का प्रयास चल रहा है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप दो मिनट देंगे तो मैं ये समझाना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे में मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। अगर हम देखें रेलवे के अगर 100 काम है, इन 100 काम में सबसे ज़रूरी काम है मेंटेनेंस का काम। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस के काम को ध्यान देने के लिए रेलवे ने अपना पूरा का पूरा कार्य प्रणाली बदली है और एक नया सिस्टम लेके आए हैं, वो है रोलिंग ब्लॉक सिस्टम। माननीय अध्यक्ष जी, ये रिकॉर्ड पे रहे, रोलिंग ब्लॉक सिस्टम से आगामी हर हफ्ते, आगामी 26 हफ्ते की प्लानिंग करके मेंटेनेंस रेलवे में आज इस लेवल पे पहुंचा है, जिसका लाभ कई दशकों तक इसका लाभ हमें मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं आता हूँ लोको पायलट के विषय पे। लोको पायलट का विषय माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का विषय कई माननीय सांसदों ने उठाया। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि लोको पायलट रेल परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो स्टेप्स आपके सामने रखूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में, ऐसा है केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना। बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। अन्य अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के तहत, माननीय मंत्री जी, आप बैठे-बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो। जी माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आपका आदेश, माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा, 2016 में, 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई, और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया, 558 एयर सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7000 से ज़्यादा लोगों की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको। आप मुझे बताओ
की कैब ऐसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं, किस बात का ये करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आऊंगा, कल एक विषय आया कि कवच की केरला में एलोकेशन बिल्कुल कम है। माननीय अध्यक्ष जी, केरला के माननीय सांसद सुन ले, यूपीए के कार्यकाल में केरला को मात्र 372 करोड़ रुपए देते थे एवरेज यूपीए के कार्यकाल में। माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 3011 करोड़ रुपए केरल को दे रहे हैं, 3011 करोड़ रुपए। माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु का कल विषय आया, तमिलनाडु को यूपीए के कार्यकाल में मात्र 879 करोड़ रुपीस मिलते थे, आज माननीय अध्यक्ष जी 6,362 करोड़ रुपीस मोदी जी केरल तमिलनाडु को दे रहे हैं। अपनी कीमत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखें, अपने गृहवान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है, ताली बजा के पेट दे उनकी दम। माननीय विपक्ष के माननीय सांसदों ने कहा कि आप नंबर बताओ, इसलिए मैं नंबर रख रहा हूँ। यूपीए के कार्यकाल में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे, 171, वो करीब 68% कम हुए हैं। अभी भी अध्यक्ष जी, हमें उस पर कहीं कोई संतोष नहीं करना चाहिए, कहीं भी संतोष नहीं करना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, कोई भी हो, हम सबको मिलके एक एक विषय पे, सेफ्टी के हर विषय पे पूरा दिल जी जान से, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी मेहनत है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं, वो पूरा प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध है, और कैसे भी उसको, हर तरीके से उसको रोकने का पूरा प्रयास रहेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखें, अपने गृहवान में जाके, अपने गृहवान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे, आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात, ऐसे देश चलेगा क्या? माननीय अध्यक्ष जी, देश चलाने के लिए, रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को
अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा मानवर? देखिए, 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके साथ आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के पास उनकी दम उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है, वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, ये राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष जी रेलवे में वो ताकत है, रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो उसके लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कल एक माननीय सांसद केरला के श्री बशीर जी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट्स खंगाली। माननीय बशीर जी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कल सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था, हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट का उसको खंगाला, लेकिन कहीं पर भी हमें उसमें SC ST OBC से संबंधित कोई विषय नहीं निकला। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का यूपीए का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से 2024 में एनडीए के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए, इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, पहली परीक्षा में 1,26,00,000 कैंडिडेट थे, 1,26,00,000 कैंडिडेट, 133 शिफ्ट 68 दिन तक परीक्षा चली, 211 शहरों में परीक्षा चली और 726 सेंटर्स में एग्जाम चला। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कंप्लेंट उसमें नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विपक्ष में माननीय सांसद महोदय ने पिछले टर्म में इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया था। दूसरी परीक्षा 1,10,00,000 कैंडिडेट थे, 99 शिफ्ट 33 डेज 191 सिटीज 551 सेंटर्स 15 लैंग्वेज में एग्जाम हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट कहीं। माननीय अध्यक्ष जी,
इन दोनों परीक्षाओं के बाद 130,000 लोगों को रोजगार दिया गया है, और जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट हुई तुरंत हमने नई साइकिल चालू की। और माननीय अध्यक्ष जी, वर्षों वर्षों से जो डिमांड थी कि एक एनुअल कैलेंडर रखा जाए रेलवे के लिए, तो जनवरी के महीने में 2024 के जनवरी के महीने में एनुअल कैलेंडर रेलवे के रिक्रूटमेंट का घोषित हुआ। हमारे नौजवानों के लिए जो रेलवे में भर्ती होने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए साल में 4 बार वैकेंसी निकलती है, अब जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई के क्वार्टर में और अक्टूबर के क्वार्टर में। और इस एनुअल कैलेंडर के कारण आज की तारीख में 40,565 वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा, जिस मेहनत के साथ, जितनी डिटेलिंग के साथ 2 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम लेके बिना कोई कंप्लेंट के ये एग्ज़ाम कंप्लीट किया, वैसे ही आगामी एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट होंगे और रेलवे में 40-50 हज़ार लोग ज़्यादा चुने। माननीय अध्यक्ष जी, किसी ने कल मजाक भी बनाई थी कि रेलवे के माननीय अध्यक्ष जी, मैं सेफ्टी पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो डेटा भी आपके सामने अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, सर बाद में ऐड कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सेफ्टी पे 2022-23 में अध्यक्ष जी 22-23 में 87,336 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स में हुआ। 2023-24 में 98,414 करोड़ रुपीस का सेफ्टी पे एक्सपेंडिचर हुआ। 2024-25 में बजट में, जिसका आज अप्रूवल देगा ये महान सदन, इसमें 108,795 करोड़ का सेफ्टी के रिलेटेड आइटम्स पे एक्सपेंडिचर रखा गया। माननीय अध्यक्ष जी, किस तरह से काम कार्य पद्धति में बदलाव एक लाने का प्रयास चल रहा है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप 2 मिनट देंगे तो मैं ये समझाना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे में मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। अगर हम देखें रेलवे के, अगर 100 काम है, इन 100 काम में सबसे ज़रूरी काम है मेंटेनेंस का काम। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस के काम को ध्यान देने के लिए रेलवे ने अपना पूरा का पूरा कार्य प्रणाली बदली है और एक नया सिस्टम लेके आए हैं, वो है रोलिंग ब्लॉक सिस्टम। माननीय अध्यक्ष जी, ये रिकॉर्ड पे रहे, रोलिंग ब्लॉक सिस्टम से आगामी 26 हफ्ते की प्लानिंग करके मेंटेनेंस रेलवे में आज इस लेवल पे पहुंचा है, जिसका लाभ कई दशकों तक इसका लाभ हमें मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं आता हूँ लोको पायलट के विषय पे। लोको पायलट का विषय, माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का विषय कई माननीय सांसदों ने उठाया। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि लोको पायलट रेल परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और उनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो स्टेप्स आपके सामने रखूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में, ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना। बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला है, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते।
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के तहत, माननीय मंत्री जी प्लीज, जो माननीय मंत्री जी 2005, माननीय मंत्री जी आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष, जैसा आपका आदेश। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीयवर अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा, 2016 में, 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई, और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया, 558 एयर सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब, माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7,000 से ज़्यादा लोगों की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको, आप मुझे बताओ 558 में से एक भी जीरो था, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आऊंगा, कल एक विषय आया कि केरला में एलोकेशन बिल्कुल कम है। माननीय अध्यक्ष जी, केरला के माननीय सांसद सुन ले, यूपीए के कार्यकाल में केरला को मात्र 372 करोड़ रुपए देते थे एवरेज यूपीए के कार्यकाल में। माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 3,011 करोड़ रुपए केरल को दे रहे हैं, 3,011 करोड़ रुपए। माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु का कल विषय आया, तमिलनाडु को यूपीए के कार्यकाल में मात्र 879 करोड़ रुपीज़ मिलते थे, आज माननीय अध्यक्ष जी 6,362 करोड़ रुपीस मोदी जी केरल तमिलनाडु को दे रहे हैं। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखें, अपने गृहवान में पहले झांक के बताएं, इसी हाउस में बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है, ताली बजा के पेट के माननीय विपक्ष के माननीय सांसदों ने कहा कि आप नंबर बताओ, इसलिए मैं नंबर रख रहा हूँ। यूपीए के कार्यकाल में
171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे, 171, वो करीब 68% कम हुए हैं। अभी भी अध्यक्ष जी, हमें उस पर कहीं कोई संतोष नहीं करना चाहिए, कहीं भी संतोष नहीं करना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, कोई भी हो, हम सबको मिलके एक एक विषय पे, सेफ्टी के हर विषय पे पूरा दिल जी जान से, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी मेहनत है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं, वो पूरा प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध है, और कैसे भी उसको, हर तरीके से उसको रोकने का पूरा प्रयास रहेगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखें, अपने गृहवान में जाके, अपने गृहवान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं, क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की अर्थ में, रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के ऊपर उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है, वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, ये राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष जी, रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा, रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी, कि देश की कोई भी समस्या हो, उसके लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे। अध्यक्ष जी, कल
एक माननीय सांसद केरला के श्री बशीर जी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट्स खंगाली। माननीय बशीर जी है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, कल सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था, हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट का उसको खंगाला, लेकिन कहीं पर भी हमें उसमें SC ST OBC से संबंधित कोई विषय नहीं निकला। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का UPA का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से 2024 में NDA के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए, इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, पहली परीक्षा में 1,26,00,000 कैंडिडेट थे, 1,26,00,000 कैंडिडेट, 133 शिफ्ट, 68 दिन तक परीक्षा चली, 211 शहरों में परीक्षा चली और 726 सेंटर्स में एग्जाम चला। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कंप्लेंट उसमें नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विपक्ष में माननीय सांसद महोदय ने पिछले टर्म में इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया था। दूसरी परीक्षा 1,10,00,000 कैंडिडेट थे, 99 शिफ्ट, 33 डेज, 191 सिटीज, 551 सेंटर्स, 15 लैंग्वेज में एग्जाम हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट कहीं। माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों परीक्षाओं के बाद 1,30,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। और जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट हुई, तुरंत हमने नई साइकिल चालू की। और माननीय अध्यक्ष जी, वर्षों वर्षों से जो डिमांड थी कि एक एनुअल कैलेंडर रखा जाए रेलवे के लिए, तो जनवरी के महीने में 2024 के जनवरी के महीने में एनुअल कैलेंडर रेलवे के रिक्रूटमेंट का घोषित हुआ। हमारे नौजवानों के लिए जो रेलवे में भर्ती होने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए साल में 4 बार वैकेंसी निकलती है, अब जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई के क्वार्टर में और अक्टूबर के क्वार्टर में। और इस एनुअल कैलेंडर के कारण आज की तारीख में 40,565 वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा, जिस मेहनत के साथ, जितनी डिटेलिंग के साथ 2 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम लेके बिना कोई कंप्लेंट के ये एग्ज़ाम कंप्लीट किया, वैसे ही आगामी एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट होंगे और रेलवे में 40-50,000 लोग ज़्यादा चले। माननीय अध्यक्ष जी, किसी ने कल मजाक भी बनाई थी कि रेलवे के माननीय अध्यक्ष जी मैं सेफ्टी पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो डेटा भी आपके सामने रख। माननीय अध्यक्ष जी सर बाद में ऐड कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सेफ्टी पे 2022-23 में अध्यक्ष जी 22-23 में 87,336 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंडिचर सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स में हुआ। 2023-24 में 98,414 करोड़ रुपीज़ का सेफ्टी पे एक्सपेंडिचर हुआ। 2024-25 में बजट में, जिसका आज अप्रूवल देगा ये महान सदन, इसमें 1,08,795 करोड़ का
सेफ्टी के रिलेटेड आइटम्स पे एक्सपेंडिचर रखा गया। माननीय अध्यक्ष जी, किस तरह से काम कार्य पद्धति में बदलाव एक लाने का प्रयास चल रहा है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप दो मिनट देंगे तो मैं ये समझाना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे में मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। अगर हम देखें रेलवे के अगर 100 काम हैं, इन 100 काम में सबसे ज़रूरी काम है मेंटेनेंस का काम। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस के काम को ध्यान देने के लिए रेलवे ने अपना पूरा का पूरा कार्य प्रणाली बदली है और एक नया सिस्टम लेके आए हैं, वो है रोलिंग ब्लॉक सिस्टम। माननीय अध्यक्ष जी, ये रिकॉर्ड पे रहे, रोलिंग ब्लॉक सिस्टम से आगामी हर हफ्ते, आगामी 26 हफ्ते की प्लानिंग करके मेंटेनेंस रेलवे में आज इस लेवल पे पहुंचा है, जिसका लाभ कई दशकों तक इसका लाभ हमें मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं आता हूँ लोको पायलट के विषय पे। लोको पायलट का विषय, माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का विषय कई माननीय सांसदों ने उठाया। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि लोको पायलट रेल परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो स्टेप्स मैं आपके सामने रखूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना। बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। हमें अध्यक्ष जी हाउस का ऑर्डर मिला है, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के तहत, माननीय मंत्री जी, आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो। जी माननीय, जैसा आपका आदेश। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा, 2016 में, 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई, और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया, 558 सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7000 से ज़्यादा लोगों की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको। आप मुझे बताओ
कोई कैब ऐसी नहीं थी माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं, किस बात का ये करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी मैं आऊंगा, कल एक विषय आया कि कवच की केरला में एलोकेशन बिल्कुल कम है। माननीय अध्यक्ष जी केरला के माननीय सांसद सुन ले, यूपीए के कार्यकाल में केरला को मात्र 372 करोड़ रुपए देते थे एवरेज यूपीए के कार्यकाल में। माननीय अध्यक्ष जी आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 3011 करोड़ रुपए केरल को दे रहे हैं, 3011 करोड़ रुपए। माननीय अध्यक्ष जी तमिलनाडु का कल विषय आया, तमिलनाडु को यूपीए के कार्यकाल में मात्र 879 करोड़ रुपीस मिलते थे, आज माननीय अध्यक्ष जी 6,362 करोड़ रुपीस मोदी जी केरल तमिलनाडु को दे रहे हैं। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखें, अपने गृहवान में पहले झांक के बताएं, इसी हाउस में बैठो बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है, ताली बजा के पेट दे उनकी दम। माननीय विपक्ष के माननीय सांसदों ने कहा कि आप नंबर बताओ, इसलिए मैं नंबर रख रहा हूँ। यूपीए के कार्यकाल में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे, 171, वो करीब 68% 68% कम हुए हैं। अभी भी अध्यक्ष जी हमें उस पर कहीं कोई संतोष नहीं करना चाहिए, कहीं भी संतोष नहीं करना चाहिए, पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, कोई भी हो, हम सबको मिलके एक एक विषय पे, सेफ्टी के हर विषय पे पूरा दिल जी जान से, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी मेहनत है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं वो पूरा प्रयास करना चाहिए, और वो प्रयास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध है, और कैसे भी उसको, हर तरीके से उसको रोकने का पूरा प्रयास रहेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखें, अपने गृहवान में पहले झांक के बताएं, इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे, आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं, क्या है ये बात, ऐसे देश चलेगा क्या? माननीय अध्यक्ष जी देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी जब इतनी बात कर रहे हैं मैं एक और बात करना चाहूंगा, विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को
अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा मानवर? देखिए, 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके साथ आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के पास उनकी दम उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है, वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, ये राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष जी रेलवे में वो ताकत है, रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो उसके लिए हमारे इंजीनियर्स हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कल एक माननीय सांसद केरला के श्री बशीर जी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट्स खंगाली। माननीय बशीर जी हैं क्या? माननीय अध्यक्ष जी, कल सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था, हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट का उसको खंगाला, लेकिन कहीं पर भी हमें उसमें SC ST OBC से संबंधित कोई विषय नहीं निकला। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का यूपीए का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से 2024 में एनडीए के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए, इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, पहली परीक्षा में 1,26,00,000 कैंडिडेट थे, 1,26,00,000 कैंडिडेट, 133 शिफ्ट 68 दिन तक परीक्षा चली, 211 शहरों में परीक्षा चली और 726 सेंटर्स में एग्जाम चला। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कंप्लेंट उसमें नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विपक्ष में माननीय सांसद महोदय ने पिछले टर्म में इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया था। दूसरी परीक्षा 1,10,00,000 कैंडिडेट थे, 99 शिफ्ट 33 डेज 191 सिटीज 551 सेंटर्स 15 लैंग्वेज में एग्जाम हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट कहीं।
माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों परीक्षाओं के बाद 130,000 लोगों को रोजगार दिया गया है, और जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट हुई तुरंत हमने नई साइकिल चालू की। और माननीय अध्यक्ष जी, वर्षों वर्षों से जो डिमांड थी कि एक एनुअल कैलेंडर रखा जाए रेलवे के लिए, तो जनवरी के महीने में 2024 के जनवरी के महीने में एनुअल कैलेंडर रेलवे के रिक्रूटमेंट का घोषित हुआ। हमारे नौजवानों के लिए जो रेलवे में भर्ती होने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए साल में 4 बार वैकेंसी निकलती है, अब जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई के क्वार्टर में और अक्टूबर के क्वार्टर में। और इस एनुअल कैलेंडर के कारण आज की तारीख में 40,565 वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा, जिस मेहनत के साथ, जितनी डिटेलिंग के साथ 2 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम लेके बिना कोई कंप्लेंट के ये एग्ज़ाम कंप्लीट किया, वैसे ही आगामी एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट होंगे और रेलवे में 40-50 हज़ार लोग ज़्यादा चले। माननीय अध्यक्ष जी, किसी ने कल मजाक भी बनाई थी कि रेलवे के माननीय अध्यक्ष जी, मैं सेफ्टी पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो डेटा भी आपके सामने रख। माननीय अध्यक्ष जी, सर बाद में ऐड कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सेफ्टी पे 2022-23 में अध्यक्ष जी 22-23 में 87,336 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स में हुआ। 2023-24 में 98,414 करोड़ रुपीस का सेफ्टी पे एक्सपेंडिचर हुआ। 2024-25 में बजट में, जिसका आज अप्रूवल देगा ये महान सदन, इसमें 108,795 करोड़ का सेफ्टी के रिलेटेड आइटम्स पे एक्सपेंडिचर रखा गया। माननीय अध्यक्ष जी, किस तरह से काम कार्य पद्धति में बदलाव एक लाने का प्रयास चल रहा है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप 2 मिनट देंगे तो मैं ये समझाना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे में मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। अगर हम देखें रेलवे के, अगर 100 काम है, इन 100 काम में सबसे ज़रूरी काम है मेंटेनेंस का काम। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस के काम को ध्यान देने के लिए रेलवे ने अपना पूरा का पूरा कार्य प्रणाली बदली है और एक नया सिस्टम लेके आए हैं, वो है रोलिंग ब्लॉक सिस्टम। माननीय अध्यक्ष जी, ये रिकॉर्ड पे रहे, रोलिंग ब्लॉक सिस्टम से आगामी 26 हफ्ते की प्लानिंग करके मेंटेनेंस रेलवे में आज इस लेवल पे पहुंचा है, जिसका लाभ कई दशकों तक इसका लाभ हमें मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं आता हूँ लोको पायलट के विषय पे। लोको पायलट का विषय, माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का विषय कई माननीय सांसदों ने उठाया। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि लोको पायलट रेल परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और उनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो स्टेप्स आपके सामने रखूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में, ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना। बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते।
माननीय अध्यक्ष जी माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के तहत माननीय मंत्री जी प्लीज जो माननीय मंत्री जी 2005 माननीय मंत्री जी आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो जी। माननीय अध्यक्ष जी जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष जी। लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है माननीय अध्यक्ष जी। उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीयवर अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा 2016 में 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया, 558 एयर सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी लोकोमोटिव की कैब माननीय अध्यक्ष जी लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7000 से ज़्यादा लोगों की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको। आप मुझे बताओ 558 में से एक भी जीरो था, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी ये फिर आप किस बात का ये करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी मैं आऊंगा, कल एक विषय आया कि केरला में एलोकेशन बिल्कुल कम है। माननीय अध्यक्ष जी केरला के माननीय सांसद सुन ले यूपीए के कार्यकाल में केरला को मात्र 372 करोड़ रुपए देते थे एवरेज यूपीए के कार्यकाल में। माननीय अध्यक्ष जी आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 3011 करोड़ रुपए केरल को दे रहे हैं, 3011 करोड़ रुपए। माननीय अध्यक्ष जी तमिलनाडु का कल विषय आया, तमिलनाडु को यूपीए के कार्यकाल में मात्र 879 करोड़ रुपीस मिलते थे, आज माननीय अध्यक्ष जी 6,362 करोड़ रुपीस मोदी जी केरल तमिलनाडु को दे रहे हैं। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखें, अपने गृहवान में पहले जाग के बताएं, इसी हाउस में बैठो बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है, ताली बजा के पेट के माननीय विपक्ष के माननीय सांसदों ने कहा कि आप नंबर बताओ, इसलिए मैं नंबर रख रहा हूँ। यूपीए के कार्यकाल में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे,
171 वो करीब 68% 68% कम हुए हैं। अभी भी अध्यक्ष जी हमें उस पर कहीं कोई संतोष नहीं करना चाहिए, कहीं भी संतोष नहीं करना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, कोई भी हो, हम सबको मिलके एक एक विषय पे, सेफ्टी के हर विषय पे पूरा दिल जी जान से, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी मेहनत है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं वो पूरा प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध है, और कैसे भी उसको, हर तरीके से उसको रोकने का पूरा प्रयास रहेगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखें, अपने गृहवान में जाके, अपने गृहवान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे, आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात, ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के ऊपर उनकी दम उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, ये राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष जी रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो उसके लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी कल एक माननीय सांसद केरला के
श्री बशीर जी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट्स खंगाली। मान्यवर बशीर जी है क्या? मान्यवर अध्यक्ष जी, कल सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था, हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट का उसको खंगाला, लेकिन कहीं पर भी हमें उसमें SC ST OBC से संबंधित कोई विषय नहीं निकला। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि मान्यवर अध्यक्ष जी पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का यूपीए का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से 2024 में एनडीए के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए, इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, पहली परीक्षा में 1,26,00,000 कैंडिडेट थे, 1,26,00,000 कैंडिडेट, 133 शिफ्ट, 68 दिन तक परीक्षा चली, 211 शहरों में परीक्षा चली और 726 सेंटर्स में एग्जाम चला। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कंप्लेंट उसमें नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विपक्ष में माननीय सांसद महोदय ने पिछले टर्म में इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया था। दूसरी परीक्षा 1,10,00,000 कैंडिडेट थे, 99 शिफ्ट, 33 डेज, 191 सिटीज, 551 सेंटर्स, 15 लैंग्वेज में एग्जाम हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट कहीं। माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों परीक्षाओं के बाद 1,30,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। और जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट हुई, तुरंत हमने नई साइकिल चालू की। और माननीय अध्यक्ष जी, वर्षों वर्षों से जो डिमांड थी कि एक एनुअल कैलेंडर रखा जाए रेलवे के लिए, तो जनवरी के महीने में 2024 के जनवरी के महीने में एनुअल कैलेंडर रेलवे के रिक्रूटमेंट का घोषित हुआ। हमारे नौजवानों के लिए जो रेलवे में भर्ती होने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए साल में 4 बार वैकेंसी निकलती है, अब जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई के क्वार्टर में और अक्टूबर के क्वार्टर में। और इस एनुअल कैलेंडर के कारण आज की तारीख में 40,565 वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा, जिस मेहनत के साथ, जितनी डिटेलिंग के साथ 2 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम लेके बिना कोई कंप्लेंट के ये एग्ज़ाम कंप्लीट किया, वैसे ही आगामी एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट होंगे और रेलवे में 40-50,000 लोग ज़्यादा चले। माननीय अध्यक्ष जी, किसी ने कल मजाक भी बनाई थी कि रेलवे के माननीय अध्यक्ष जी, मैं सेफ्टी पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो डेटा भी आपके सामने रख। माननीय अध्यक्ष जी, सर बाद में ऐड कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सेफ्टी पे 2022-23 में अध्यक्ष जी 22-23 में 87,336 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंडिचर सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स में हुआ। 2023-24 में 98,414 करोड़ रुपीज़ का सेफ्टी पे एक्सपेंडिचर हुआ। 2024-25 में बजट में, जिसका आज अप्रूवल देगा ये महान सदन, इसमें 1,08,795 करोड़ का सेफ्टी के रिलेटेड आइटम्स पे एक्सपेंडिचर रखा गया।
माननीय अध्यक्ष जी, किस तरह से काम कार्य पद्धति में बदलाव एक लाने का प्रयास चल रहा है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप दो मिनट देंगे तो मैं ये समझाना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे में मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। अगर हम देखें रेलवे के अगर 100 काम है, इन 100 काम में सबसे ज़रूरी काम है मेंटेनेंस का काम। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस के काम को ध्यान देने के लिए रेलवे ने अपना पूरा का पूरा कार्य प्रणाली बदली है और एक नया सिस्टम लेके आए हैं, वो है रोलिंग ब्लॉक सिस्टम। माननीय अध्यक्ष जी, ये रिकॉर्ड पे रहे, रोलिंग ब्लॉक सिस्टम से आगामी हर हफ्ते, आगामी 26 हफ्ते की प्लानिंग करके मेंटेनेंस रेलवे में आज इस लेवल पे पहुंचा है, जिसका लाभ कई दशकों तक इसका लाभ हमें मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं आता हूँ लोको पायलट के विषय पे। लोको पायलट का विषय, माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का विषय कई माननीय सांसदों ने उठाया। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि लोको पायलट रेल परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो स्टेप्स मैं आपके सामने रखूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना। बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के तहत, माननीय मंत्री जी, आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो। जी माननीय अध्यक्ष, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा, 2016 में, 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई, और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया, 558 सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7000 से ज़्यादा लोगों की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको, आप मुझे बताओ 558 में से एक भी जीरो था, एक
नहीं थी माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं, किस बात का ये करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आऊंगा, कल एक विषय आया कि कवच की केरला में एलोकेशन बिल्कुल कम है। माननीय अध्यक्ष जी, केरला के माननीय सांसद सुन ले, यूपीए के कार्यकाल में केरला को मात्र 372 करोड़ रुपए देते थे एवरेज यूपीए के कार्यकाल में। माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 3011 करोड़ रुपए केरल को दे रहे हैं, 3011 करोड़ रुपए। माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु का कल विषय आया, तमिलनाडु को यूपीए के कार्यकाल में मात्र 879 करोड़ रुपीस मिलते थे, आज माननीय अध्यक्ष जी 6,362 करोड़ रुपीस मोदी जी केरल तमिलनाडु को दे रहे हैं। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखें, अपने गृहवान में पहले झांक के बताएं, इसी हाउस में बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है, ताली बजा के पेट दे उनकी दम। माननीय विपक्ष के माननीय सांसदों ने कहा कि आप नंबर बताओ, इसलिए मैं नंबर रख रहा हूँ। यूपीए के कार्यकाल में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे, 171, वो करीब 68% कम हुए हैं। अभी भी अध्यक्ष जी, हमें उस पर कहीं कोई संतोष नहीं करना चाहिए, कहीं भी संतोष नहीं करना चाहिए, पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, कोई भी हो, हम सबको मिलके एक एक विषय पे, सेफ्टी के हर विषय पे पूरा दिल जी जान से, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी मेहनत है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं, वो पूरा प्रयास करना चाहिए, और वो प्रयास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध है, और कैसे भी उसको, हर तरीके से उसको रोकने का पूरा प्रयास रहेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अध्यक्ष जी, जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखें, अपने गृहवान में पहले झांक के बताएं, इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे, आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं, क्या है ये बात, ऐसे देश चलेगा क्या? माननीय अध्यक्ष जी, देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा, विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को
अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा मानवर? देखिए, 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके साथ आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के पास उनकी दम उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है, वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, ये राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष जी रेलवे में वो ताकत है, रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो उसके लिए हमारे इंजीनियर्स हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कल एक माननीय सांसद केरला के श्री बशीर जी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट्स खंगाली। माननीय बशीर जी हैं क्या? माननीय अध्यक्ष जी, कल सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था, हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट का उसको खंगाला, लेकिन कहीं पर भी हमें उसमें SC ST OBC से संबंधित कोई विषय नहीं निकला। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का यूपीए का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से 2024 में एनडीए के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए, इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, पहली परीक्षा में 1,26,00,000 कैंडिडेट थे, 1,26,00,000 कैंडिडेट, 133 शिफ्ट 68 दिन तक परीक्षा चली, 211 शहरों में परीक्षा चली और 726 सेंटर्स में एग्जाम चला। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कंप्लेंट उसमें नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विपक्ष में माननीय सांसद महोदय ने पिछले टर्म में इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया था। दूसरी परीक्षा 1,10,00,000 कैंडिडेट थे, 99 शिफ्ट 33 डेज 191 सिटीज 551 सेंटर्स 15 लैंग्वेज में एग्जाम हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट कहीं। माननीय अध्यक्ष जी,
इन दोनों परीक्षाओं के बाद 130,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। और जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट हुई, तुरंत हमने नई साइकिल चालू की। और माननीय अध्यक्ष जी, वर्षों वर्षों से जो डिमांड थी कि एक एनुअल कैलेंडर रखा जाए रेलवे के लिए, तो जनवरी के महीने में, 2024 के जनवरी के महीने में एनुअल कैलेंडर रेलवे के रिक्रूटमेंट का घोषित हुआ। हमारे नौजवानों के लिए जो रेलवे में भर्ती होने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए साल में 4 बार वैकेंसी निकलती है। अब जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई के क्वार्टर में और अक्टूबर के क्वार्टर में, और इस एनुअल कैलेंडर के कारण आज की तारीख में 40,565 वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा, जिस मेहनत के साथ, जितनी डिटेलिंग के साथ, 2 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम लेके बिना कोई कंप्लेंट के ये एग्ज़ाम कंप्लीट किया, वैसे ही आगामी एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट होंगे और रेलवे में 40-50 हज़ार लोग ज़्यादा चले। माननीय अध्यक्ष जी, किसी ने कल मजाक भी बनाई थी कि रेलवे के माननीय अध्यक्ष जी, मैं सेफ्टी पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो डेटा भी आपके सामने अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, सर बाद में ऐड कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सेफ्टी पे 2022-23 में अध्यक्ष जी 22-23 में 87,336 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स में हुआ। 2023-24 में 98,414 करोड़ रुपीस का सेफ्टी पे एक्सपेंडिचर हुआ। 2024-25 में बजट में, जिसका आज अप्रूवल देगा ये महान सदन, इसमें 108,795 करोड़ का सेफ्टी के रिलेटेड आइटम्स पे एक्सपेंडिचर रखा गया। माननीय अध्यक्ष जी, किस तरह से काम कार्य पद्धति में बदलाव एक लाने का प्रयास चल रहा है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप 2 मिनट देंगे तो मैं ये समझाना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे में मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। अगर हम देखें रेलवे के, अगर 100 काम है, इन 100 काम में सबसे ज़रूरी काम है मेंटेनेंस का काम। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस के काम को ध्यान देने के लिए रेलवे ने अपना पूरा का पूरा कार्य प्रणाली बदली है और एक नया सिस्टम लेके आए हैं, वो है रोलिंग ब्लॉक सिस्टम। माननीय अध्यक्ष जी, ये रिकॉर्ड पे रहे, रोलिंग ब्लॉक सिस्टम से आगामी 26 हफ्ते की प्लानिंग करके मेंटेनेंस रेलवे में आज इस लेवल पे पहुंचा है, जिसका लाभ कई दशकों तक इसका लाभ हमें मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं आता हूँ लोको पायलट के विषय पे। लोको पायलट का विषय, माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का विषय कई माननीय सांसदों ने उठाया। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि लोको पायलट रेल परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो स्टेप्स आपके सामने रखूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में, ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना। बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते।
अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के तहत, माननीय मंत्री जी प्लीज, जो माननीय मंत्री जी 2005, माननीय मंत्री जी आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो जी, माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष जी। लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है माननीय अध्यक्ष जी। उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीयवर अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा, 2016 में, 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई, और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया, 558 एयर सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी लोकोमोटिव की कैब माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7,000 से ज़्यादा लोगों की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको, आप मुझे बताओ 558 में से एक भी जीरो था, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी ये फिर आप किस बात का ये करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी मैं आऊंगा, कल एक विषय आया कि केरला में एलोकेशन बिल्कुल कम है। माननीय अध्यक्ष जी केरला के माननीय सांसद सुन ले, यूपीए के कार्यकाल में केरला को मात्र 372 करोड़ रुपए देते थे एवरेज यूपीए के कार्यकाल में। माननीय अध्यक्ष जी आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 3,011 करोड़ रुपए केरल को दे रहे हैं, 3,011 करोड़ रुपए। माननीय अध्यक्ष जी तमिलनाडु का कल विषय आया, तमिलनाडु को यूपीए के कार्यकाल में मात्र 879 करोड़ रुपीस मिलते थे, आज माननीय अध्यक्ष जी 6,362 करोड़ रुपीस मोदी जी केरल तमिलनाडु को दे रहे हैं। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखें, अपने गृहवान में पहले झांक के बताएं, इसी हाउस में बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है, ताली बजा के पेट के उनका दम। माननीय विपक्ष के माननीय सांसदों ने कहा कि आप नंबर बताओ, इसलिए मैं नंबर रख रहा हूँ। यूपीए के कार्यकाल में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे,
171 वो करीब 68% कम हुए हैं। अभी भी अध्यक्ष जी हमें उस पर कहीं कोई संतोष नहीं करना चाहिए, कहीं भी संतोष नहीं करना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, कोई भी हो, हम सबको मिलके एक एक विषय पे, सेफ्टी के हर विषय पे पूरा दिल जी जान से, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी मेहनत है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं वो पूरा प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, और कैसे भी उसको, हर तरीके से उसको रोकने का पूरा प्रयास रहेगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखें, अपने गृहवान में जाके, अपने गृहवान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे, आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या ये बात, ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की अर्थव्यवस्था, रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के ऊपर उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, ये राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष जी रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो उसके लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी कल एक माननीय सांसद केरला के
श्री बशीर जी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट्स खंगाली। माननीय बशीर जी हैं माननीय अध्यक्ष जी, कल सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था, हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट का उसको खंगाला, लेकिन कहीं पर भी हमें उसमें SC ST OBC से संबंधित कोई विषय नहीं निकला। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का UPA का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से 2024 में NDA के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए, इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, पहली परीक्षा में 1,26,00,000 कैंडिडेट थे, 1,26,00,000 कैंडिडेट, 133 शिफ्ट 68 दिन तक परीक्षा चली, 211 शहरों में परीक्षा चली और 726 सेंटर्स में एग्ज़ाम चला। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कंप्लेंट उसमें नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विपक्ष में माननीय सांसद महोदय ने पिछले टर्म में इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया था। दूसरी परीक्षा 1,10,00,000 कैंडिडेट थे, 99 शिफ्ट 33 डेज 191 सिटीज 551 सेंटर्स 15 लैंग्वेज में एग्जाम हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट पे। माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों परीक्षाओं के बाद 1,30,000 लोगों को रोजगार दिया गया है और जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट हुई तुरंत हमने नई साइकिल चालू की। और माननीय अध्यक्ष जी, वर्षों वर्षों से जो डिमांड थी कि एक एनुअल कैलेंडर रखा जाए रेलवे के लिए, तो जनवरी के महीने में 2024 के जनवरी के महीने में एनुअल कैलेंडर रेलवे के रिक्रूटमेंट का घोषित हुआ। हमारे नौजवानों के लिए जो रेलवे में भर्ती होने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए साल में 4 बार वैकेंसी निकलती है, अब जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई के क्वार्टर में और अक्टूबर के क्वार्टर में। और इस एनुअल कैलेंडर के कारण आज की तारीख में 40,565 वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा, जिस मेहनत के साथ, जितनी डिटेलिंग के साथ 2 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम लेके बिना कोई कंप्लेंट के ये एग्ज़ाम कंप्लीट किया, वैसे ही आगामी एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट होंगे और रेलवे में 40-50 हज़ार लोग ज़्यादा चले। माननीय अध्यक्ष जी, किसी ने कल मजाक भी बनाई थी कि रेलवे के माननीय अध्यक्ष जी मैं सेफ्टी पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो डेटा भी आपके सामने अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, सर बाद में ऐड कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सेफ्टी पे 2022-23 में अध्यक्ष जी 22-23 में 87,336 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स में हुआ। 2023-24 में 98,414 करोड़ रुपीस का सेफ्टी पे एक्सपेंडिचर हुआ। 2024-25 में बजट में, जिसका आज अप्रूवल देगा ये महान सदन, इसमें 1,08,795 करोड़ का सेफ्टी के रिलेटेड आइटम्स पे एक्सपेंडिचर रखा गया।
माननीय अध्यक्ष जी, किस तरह से काम कार्य पद्धति में बदलाव एक लाने का प्रयास चल रहा है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप दो मिनट देंगे तो मैं ये समझाना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे में मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। अगर हम देखें रेलवे के अगर 100 काम है, इन 100 काम में सबसे ज़रूरी काम है मेंटेनेंस का काम। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस के काम को ध्यान देने के लिए रेलवे ने अपना पूरा का पूरा कार्य प्रणाली बदली है और एक नया सिस्टम लेके आए हैं, वो है रोलिंग ब्लॉक सिस्टम। माननीय अध्यक्ष जी, ये रिकॉर्ड पे रहे, रोलिंग ब्लॉक सिस्टम से आगामी हर हफ्ते, आगामी 26 हफ्ते की प्लानिंग करके मेंटेनेंस रेलवे में आज इस लेवल पे पहुंचा है, जिसका लाभ कई दशकों तक इसका लाभ हमें मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं आता हूँ लोको पायलट के विषय पे। लोको पायलट का विषय, माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का विषय कई माननीय सांसदों ने उठाया। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि लोको पायलट रेल परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो स्टेप्स मैं आपके सामने रखूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में, ऐसा है केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना। बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला है, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के तहत, माननीय मंत्री जी प्लीज, जो माननीय मंत्री जी 2005, माननीय मंत्री जी, आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आपका आदेश, माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा, 2016 में, 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई, और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया, 558 सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब, माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7000 से ज़्यादा लोगों की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको, आप मुझे बताओ 558 में से एक भी जीरो था, ये
हुई थी माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं, किस बात का ये करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आऊंगा, अध्यक्ष जी कल एक विषय आया कि कवच की केरला में एलोकेशन बिल्कुल कम है। माननीय अध्यक्ष जी, केरला के माननीय सांसद सुन ले, यूपीए के कार्यकाल में केरला को मात्र 372 करोड़ रुपए देते थे एवरेज यूपीए के कार्यकाल में। माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 3,011 करोड़ रुपए केरल को दे रहे हैं, 3,011 करोड़ रुपए। माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु का कल विषय आया, तमिलनाडु को यूपीए के कार्यकाल में मात्र 879 करोड़ रुपीस मिलते थे, आज माननीय अध्यक्ष जी 6,362 करोड़ रुपीस मोदी जी केरल तमिलनाडु को दे रहे हैं। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखे, अपने गृहवान में पहले जाग के बताएं, इसी हाउस में बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है, ताली बजा के पेट दे उनका दम। माननीय विपक्ष के माननीय सांसदों ने कहा कि आप नंबर बताओ, इसलिए मैं नंबर रख रहा हूँ। यूपीए के कार्यकाल में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे, 171, वो करीब 68% कम हुए हैं। अभी भी अध्यक्ष जी, हमें उस पर कहीं कोई संतोष नहीं करना चाहिए, कहीं भी संतोष नहीं करना चाहिए, पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, कोई भी हो, हम सबको मिलके एक एक विषय पे, सेफ्टी के हर विषय पे पूरा दिल जी जान से, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी मेहनत है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं, वो पूरा प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध है, और कैसे भी उसको, हर तरीके से उसको रोकने का पूरा प्रयास रहेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखे, अपने गृहवान में पहले झांक के बताएं, इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे, आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं, क्या है ये बात, ऐसे देश चलेगा क्या? माननीय अध्यक्ष जी, देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा, विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को
अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा मानवर? देखिए, 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके साथ आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के ऊपर उनकी दम उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, ये राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष जी रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो उसके लिए हमारे इंजीनियर्स हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कल एक माननीय सांसद केरला के श्री बशीर जी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट्स खंगाली। माननीय बशीर जी हैं क्या? माननीय अध्यक्ष जी, कल सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था, हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट का उसको खंगाला, लेकिन कहीं पर भी हमें उसमें SC ST OBC से संबंधित कोई विषय नहीं निकला। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का यूपीए का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से 2024 में एनडीए के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए, इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी पहली परीक्षा में 1,26,00,000 कैंडिडेट थे, 1,26,00,000 कैंडिडेट, 133 शिफ्ट 68 दिन तक परीक्षा चली, 211 शहरों में परीक्षा चली और 726 सेंटर्स में एग्जाम चला। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कंप्लेंट उसमें नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विपक्ष में माननीय सांसद महोदय ने पिछले टर्म में इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया था। दूसरी परीक्षा 1,10,00,000 कैंडिडेट थे, 99 शिफ्ट 33 डेज 191 सिटीज 551 सेंटर्स 15 लैंग्वेज में एग्जाम हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट कहीं।
माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों परीक्षाओं के बाद 130,000 लोगों को रोजगार दिया गया है, और जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट हुई तुरंत हमने नई साइकिल चालू की। और माननीय अध्यक्ष जी, वर्षों वर्षों से जो डिमांड थी कि एक एनुअल कैलेंडर रखा जाए रेलवे के लिए, तो जनवरी के महीने में 2024 के जनवरी के महीने में एनुअल कैलेंडर रेलवे के रिक्रूटमेंट का घोषित हुआ। हमारे नौजवानों के लिए जो रेलवे में भर्ती होने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए साल में 4 बार वैकेंसी निकलती है, अब जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई के क्वार्टर में और अक्टूबर के क्वार्टर में। और इस एनुअल कैलेंडर के कारण आज की तारीख में 40,565 वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा, जिस मेहनत के साथ, जितनी डिटेलिंग के साथ 2 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम लेके बिना कोई कंप्लेंट के ये एग्ज़ाम कंप्लीट किया, वैसे ही आगामी एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट होंगे और रेलवे में 40-50 हज़ार लोग ज़्यादा चुने। माननीय अध्यक्ष जी, किसी ने कल मजाक भी बनाई थी कि रेलवे के माननीय अध्यक्ष जी, मैं सेफ्टी पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो डेटा भी आपके सामने रख। माननीय अध्यक्ष जी, सर बाद में ऐड कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सेफ्टी पे 2022-23 में अध्यक्ष जी 22-23 में 87,336 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंडिचर सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स में हुआ। 2023-24 में 98,414 करोड़ रुपीज़ का सेफ्टी पे एक्सपेंडिचर हुआ। 2024-25 में बजट में, जिसका आज अप्रूवल देगा ये महान सदन, इसमें 108,795 करोड़ का सेफ्टी के रिलेटेड आइटम्स पे एक्सपेंडिचर रखा गया। माननीय अध्यक्ष जी, किस तरह से काम कार्य पद्धति में बदलाव एक लाने का प्रयास चल रहा है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप 2 मिनट देंगे तो मैं ये समझाना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे में मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। अगर हम देखें रेलवे के, अगर 100 काम है, इन 100 काम में सबसे ज़रूरी काम है मेंटेनेंस का काम। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस के काम को ध्यान देने के लिए रेलवे ने अपना पूरा का पूरा कार्य प्रणाली बदली है और एक नया सिस्टम लेके आए हैं, वो है रोलिंग ब्लॉक सिस्टम। माननीय अध्यक्ष जी, ये रिकॉर्ड पे रहे, रोलिंग ब्लॉक सिस्टम से आगामी 26 हफ्ते की प्लानिंग करके मेंटेनेंस रेलवे में आज इस लेवल पे पहुंचा है, जिसका लाभ कई दशकों तक इसका लाभ हमें मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं आता हूँ लोको पायलट के विषय पे। लोको पायलट का विषय, माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का विषय कई माननीय सांसदों ने उठाया। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि लोको पायलट रेल परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और उनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो स्टेप्स आपके सामने रखूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में, ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना। बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते।
अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के तहत माननीय मंत्री जी प्लीज, जो माननीय मंत्री जी 2005 माननीय मंत्री जी, आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष जी। लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है माननीय अध्यक्ष जी। उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीयवर अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा, 2016 में 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई, और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया, 558 सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लोको की कैब, लोकोमोटिव की कैब, माननीय अध्यक्ष जी लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7000 से ज़्यादा लोगों की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको। आप मुझे बताओ 558 में से एक भी जीरो था, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आऊंगा, कल एक विषय आया कि केरला में एलोकेशन बिल्कुल कम है। माननीय अध्यक्ष जी, केरला के माननीय सांसद सुन ले, यूपीए के कार्यकाल में केरला को मात्र 372 करोड़ रुपए देते थे एवरेज यूपीए के कार्यकाल में। माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 3011 करोड़ रुपए केरल को दे रहे हैं, 3011 करोड़ रुपए। माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु का कल विषय आया, तमिलनाडु को यूपीए के कार्यकाल में मात्र 879 करोड़ रुपीस मिलते थे, आज माननीय अध्यक्ष जी 6,362 करोड़ रुपीस मोदी जी केरल तमिलनाडु को दे रहे हैं। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखें, अपने गृहवान में पहले झांक के बताएं, इसी हाउस में बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है, ताली बजा के पेट दे उनकी दम। माननीय विपक्ष के माननीय सांसदों ने कहा कि आप नंबर बताओ, इसलिए मैं नंबर रख रहा हूँ। यूपीए के कार्यकाल में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे,
171 वो करीब 68% 68% कम हुए हैं। अभी भी अध्यक्ष जी हमें उस पर कहीं कोई संतोष नहीं करना चाहिए, कहीं भी संतोष नहीं करना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, कोई भी हो, हम सबको मिलके एक एक विषय पे, सेफ्टी के हर विषय पे पूरा दिल जी जान से, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी मेहनत है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं वो पूरा प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, और कैसे भी उसको, हर तरीके से उसको रोकने का पूरा प्रयास रहेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखें, अपने गृहवान में जाके, अपने गृहवान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे, आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात, ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए, रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के पास उनकी दम उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है वो दुकान नहीं चलेगी। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, ये राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष जी रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो उसके लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी कल एक माननीय सांसद केरला के
श्री बशीर जी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट्स खंगाली। मान्यवर बशीर जी हैं क्या? मान्यवर अध्यक्ष जी, कल सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था, हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट का उसको खंगाला, लेकिन कहीं पर भी हमें उसमें SC ST OBC से संबंधित कोई विषय नहीं निकला। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि मान्यवर अध्यक्ष जी पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का यूपीए का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से 2024 में एनडीए के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए, इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, पहली परीक्षा में 1,26,00,000 कैंडिडेट थे, 1,26,00,000 कैंडिडेट, 133 शिफ्ट 68 दिन तक परीक्षा चली, 211 शहरों में परीक्षा चली और 726 सेंटर्स में एग्जाम चला। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कंप्लेंट उसमें नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विपक्ष में माननीय सांसद महोदय ने पिछले टर्म में इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया था। दूसरी परीक्षा 1,10,00,000 कैंडिडेट थे, 99 शिफ्ट 33 डेज 191 सिटीज 551 सेंटर्स 15 लैंग्वेज में एग्जाम हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट कहीं। माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों परीक्षाओं के बाद 1,30,000 लोगों को रोजगार दिया गया है और जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट हुई तुरंत हमने नई साइकिल चालू की। और माननीय अध्यक्ष जी, वर्षों वर्षों से जो डिमांड थी कि एक एनुअल कैलेंडर रखा जाए रेलवे के लिए, तो जनवरी के महीने में 2024 के जनवरी के महीने में एनुअल कैलेंडर रेलवे के रिक्रूटमेंट का घोषित हुआ। हमारे नौजवानों के लिए जो रेलवे में भर्ती होने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए साल में 4 बार वैकेंसी निकलती है, अब जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई के क्वार्टर में और अक्टूबर के क्वार्टर में। और इस एनुअल कैलेंडर के कारण आज की तारीख में 40,565 वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा, जिस मेहनत के साथ, जितनी डिटेलिंग के साथ 2 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम लेके बिना कोई कंप्लेंट के ये एग्ज़ाम कंप्लीट किया, वैसे ही आगामी एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट होंगे और रेलवे में 40-50 हज़ार लोग ज़्यादा चुने। माननीय अध्यक्ष जी, किसी ने कल मजाक भी बनाई थी कि रेलवे के माननीय अध्यक्ष जी मैं सेफ्टी पे जो एक्सपेंडिचर हुआ वो डेटा भी आपके सामने अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, सर बाद में ऐड कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सेफ्टी पे 2022-23 में अध्यक्ष जी 22-23 में 87,336 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स में हुआ। 2023-24 में 98,414 करोड़ रुपीस का सेफ्टी पे एक्सपेंडिचर हुआ। 2024-25 में बजट में, जिसका आज अप्रूवल देगा ये महान सदन, इसमें 1,08,795 करोड़ का सेफ्टी के रिलेटेड आइटम्स पे एक्सपेंडिचर रखा गया।
माननीय अध्यक्ष जी, किस तरह से काम कार्य पद्धति में बदलाव एक लाने का प्रयास चल रहा है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप दो मिनट देंगे तो मैं ये समझाना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे में मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। अगर हम देखें रेलवे के अगर 100 काम है, इन 100 काम में सबसे ज़रूरी काम है मेंटेनेंस का काम। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस के काम को ध्यान देने के लिए रेलवे ने अपना पूरा का पूरा कार्य प्रणाली बदली है और एक नया सिस्टम लेके आए हैं, वो है रोलिंग ब्लॉक सिस्टम। माननीय अध्यक्ष जी, ये रिकॉर्ड पे रहे, रोलिंग ब्लॉक सिस्टम से आगामी हर हफ्ते, आगामी 26 हफ्ते की प्लानिंग करके मेंटेनेंस रेलवे में आज इस लेवल पे पहुंचा है, जिसका लाभ कई दशकों तक इसका लाभ हमें मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं आता हूँ लोको पायलट के विषय पे। लोको पायलट का विषय माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का विषय कई माननीय सांसदों ने उठाया। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि लोको पायलट रेल परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो स्टेप्स मैं आपके सामने रखूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना। बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के तहत, माननीय मंत्री जी प्लीज, जो माननीय मंत्री जी 2005, माननीय मंत्री जी, आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आपका आदेश, माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा, 2016 में, 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई, और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया, 558 सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब, माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7000 से ज़्यादा लोगों की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको, आप मुझे बताओ 558 में से एक भी जीरो था,
अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं, किस बात का ये करते हैं माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आऊंगा, कल एक विषय आया कि केरला में एलोकेशन बिल्कुल कम है। माननीय अध्यक्ष जी, केरला के